हेलो चिल्ड्रन, आज हम क्लास टू इंग्लिश का चैप्टर ऑन माय ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ पढ़ेंगे। ये एक पोयम है। ऑन माय ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ, मैं अपने ब्लैक बोर्ड पर चित्र बना सकता हूँ। वन लिटिल हाउस विथ वन ग्रीन डोर, एक छोटा घर जिसमें हरा दरवाज़ा है। टू ब्राउन गेट्स दैट ओपन वाइड, दो भूरे दरवाजे जो कि चौड़ा खुलते हैं। थ्री रेड स्टेप्स दैट लीड इनसाइड, तीन लाल रंग की सीढ़ियाँ जो कि अंदर की ओर ले जाती हैं। फोर लिटिल चिमनीज पेंटेड वाइट, चार छोटी चिमनियाँ जो कि सफ़ेद रंग से रंगी हुई हैं। फाइव लिटिल विंडोज शाइनिंग ब्राइट, पांच छोटी खिड़कियाँ जो कि बहुत चमकती हैं। सिक्स येलो मैरीगोल्ड स्ट्रेट एंड टॉल, छह पीले गेंदे के फूल जो कि सीधे और ऊंचे हैं। ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल, और ये फूल वॉल के दीवार के जस्ट सामने उग रहे हैं। अब न्यू वर्ड्स देखते हैं। पहला न्यू वर्ड है गेट्स। गेट्स का मतलब होता है दरवाजे, बैरियर यूज टू क्लोज एन ओपनिंग इन द वॉल। सेंटेंसेस, ऑल द स्कूल गेट्स गेट क्लोज एट 3 PM, शी ओपन द हॉस्टल गेट फॉर मी। वाइड, हैविंग अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम वन साइड टू अनदर, मीनिंग चौड़ा। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, हर स्माइल इज वेरी वाइड, द रोड ऑन विच वी आर गोइंग टू ट्रेवल इज वाइड। लीड मीन्स ऑफ एक्सेस टू अ पर्टिकुलर प्लेस, सही दिशा में भेजना। सेंटेंसेस, ऑल रोड्स लीड टूवर्ड्स द टेम्पल, लेजीनेस विल नॉट लीड यू टूवर्ड्स सक्सेस। चिमनी, चिमनी का मतलब होता है अ ग्लास ट्यूब टू लेट द स्मोक गो आउट ऑफ द बिल्डिंग। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, चिमनी बनी हुई है। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, आवर चिमनी हैज स्टॉप्ड वर्किंग, वी हैव पुट अ न्यू ग्लास चिमनी इन आवर किचन। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैरीगोल्ड, अ प्लांट विथ येलो फ्लावर्स, गेंदे का पौधा। सेंटेंसेस, मैरीगोल्ड इज माई फेवरेट फ्लावर, अ बी इज बजिंग अराउंड द मैरीगोल्ड फ्लावर। स्ट्रेट, मूविंग इन वन डायरेक्शन ओनली, सीधा। इट वॉज अ स्ट्रेट रोड टूवर्ड्स आवर होम, वॉक स्ट्रेट टू रीच द शॉप। हाउ मेनी विंडोज डज द हाउस हैव इन दिस पोएम, इस पोयम में हाउस में कितनी विंडोज थी। द हाउस हैज फाइव लिटिल विंडोज इन द पोयम, इस पोयम में घर में पांच छोटी खिड़कियां थी। वेयर डू द मैरीगोल्ड्स ग्रो, मैरीगोल्ड कहाँ उगता है। द मैरीगोल्ड ग्रो अप अगेंस्ट द वॉल, मैरीगोल्ड इस पोयम में वॉल के सामने उग रहा था। से अलाउड, आपको ये वर्ड्स जोर से पढ़ने हैं। ड्रॉ, ड्रेन, ड्रिप, ब्राउन, ड्रेन, ब्रेक, थ्री, थ्रो, थ्रेड, ग्रो, ग्रेप्स, ग्रे। लेट्स लिसन, एवरी रूम बिकम्स डर्टी इफ नॉट क्लीन्ड। Let's clean our classroom while singing this poem. हर रूम अगर साफ ना किया जाए तो गंदा हो जाता है, तो हम अपने क्लासरूम को साफ करेंगे ये पोयम गाते हुए। आई एम गोइंग टू स्वीप द डर्ट अवे, आई एम गोइंग टू स्वीप द डर्ट अवे, आई एम गोइंग टू स्वीप द डर्ट अवे, वूश वूश वूश। इस पोयम में बोला है कि मैं डर्ट यानी धूल को स्वीप अर्थात झाड़ दूंगा, मैं धूल को झाड़ दूंगा। और ये पोयम लिखी है रोज फाइलमैन ने।
लेट्स राइट, दीज आर द टू रूम्स ऑफ द हाउस, कलर देम। आपको अगले पेज पर दो रूम दिखेंगे, आपको उन्हें कलर करना है और पैराग्राफ्स को कंप्लीट करना है। ये एक रूम है, दिस इज माय रूम, इट हैज वन विंडो, उसमें एक खिड़की है। द कलर ऑफ माय बेड इज ग्रीन, तो आपको बेड को ग्रीन कलर से कलर करना है। और देयर आर थ्री पिक्चर्स ऑन द वॉल, वॉल पर तीन पिक्चर्स हैं। कितनी पिक्चर्स हैं? तीन पिक्चर्स हैं। दिस इज अ ड्राइंग रूम, ये एक ड्राइंग रूम है। इट हैज वन विंडो, इसमें एक ही खिड़की है। वी वॉच टेलीविजन हियर, हम यहाँ टेलीविजन टीवी देखते हैं। इट हैज ग्रीन कलर्ड कर्टन्स, तो कर्टन्स जो पर्दे हैं उनको आपको ग्रीन कलर से कलर करना है। इट हैज वुडन टेबल, जो टेबल है वो लकड़ी की बनी हुई है। पर्दों को आप जिस भी रंग से रंगें वही रंग यहाँ पर मेंशन करें। यूजिंग द पिक्चर्स एज क्लूज, फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज एज बिजी एज अ बी, वह एक बी, हनी बी जो है उसकी तरह बिजी है। राज इज एज स्लो एज अ स्नेल, राज स्नेल की तरह स्लो यानी धीमे है। दिस पेन इज एज लाइट एज अ फैदर, यह पेन एक पंख की जितना हल्का है। माई हेयर इज एज ब्लैक एज अ डार्क नाइट, मेरे बाल एक अंधेरी काली रात की तरह काले हैं। आस्क योर फ्रेंड टू कीप हिज माउथ वाइड ओपन, आप अपनी फ्रेंड को अपना उसका माउथ मुंह पूरा बड़ा खोलने के लिए बोलें। फिर उसके बाद कीप हिज माउथ हाफ शट, उसे अपना मुंह आधा खोलने के लिए बोलें और आधा बंद रहने दें। देन कीप हिज माउथ फुल्ली शट, फिर उसे अपना मुंह पूरी तरह से बंद रहने के लिए बोलें। Ask someone to close the door using the words wide open, half shut and fully shut. तो यह डोर कैसा है? वाइड ओपन दिख रहा है आपको। तो द मेन एंट्रेंस गेट इज वाइड ओपन, पूरी तरह से खुला है। प्लीज शट द डोर वाइल लीविंग। प्लीज हाफ शट द डोर ऑफ योर रूम एट नाइट, अपने रूम के दरवाजों को आधा बंद करें। ये चित्र में आपको दिख रहा है। फुल्ली शट द किचन डोर और एल्स द कैट विल कम इनसाइड एंड ड्रिंक ऑल मिल्क। किचन का दरवाजा पूरी तरह से बंद करें, अन्यथा बिल्ली अंदर आ जाएगी और दूध पी लेगी। फाइंड द राइट सेंटेंस, रीड द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेकेंड सेंटेंस विद द अपोजिट ऑफ द वर्ड इन रेड। यहाँ नीचे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसमें जो रेड कलर से वर्ड लिखा है उसका अपोजिट वर्ड आपको नीचे यहाँ लिखना है। सो लेट अस बिगिन। द बॉय इज रनिंग वेरी फास्ट, बॉय जो है लड़का है बहुत तेज भाग रहा है, तो इसका अपोजिट, फास्ट का अपोजिट होता है स्लो। So the boy is walking very slow. अब यहाँ पर clown is very happy दिख रहा है आपको, clown बहुत खुश दिख रहा है। So happy का opposite होता है sad. The clown is very sad. The girl is walking on a loose rope. यह लड़की जो है ढीली रस्सी पर चल रही है, loose rope पर चल रही है। इसका loose का opposite होता है tight. So the girl is walking on a tight rope. अब change from singular to plural by adding es, ies and vs. यहाँ पर आपको एक वचन से बहुवचन, singular से plural बनाने हैं, और English में plural बनाते वक्त ये end में es, ies और vs add किए जाते हैं। Buffalo, buffaloes.
हीरो हीरोज, पोटैटो पोटैटोज। अगर एंड में ओ आ रहा है तो हम ई एस ऐड करेंगे। ओके अब बेबी बेबीज, यहाँ पर एंड में वाई आ रहा है और वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट है। जब भी किसी वर्ड के एंड में वाई आए और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट हो तो उसमें वाई हटाकर आई एस ऐड किया जाता है। तो फ्लाई का फ्लाइज, वाई हटाकर आई एस ऐड करेंगे और लेडी का लेडीज। अब नाइफ, नाइफ में एंड में एफ ई आ रहा है और जिन वर्ड्स के एंड में एफ ई या एफ आई उनमें एफ और एफ ई को हटाकर वी ई एस ऐड किया जाता है, तब वो प्लूरल में चेंज हो जाते हैं। तो नाइफ का नाइव्स, वुल्फ का वुल्फ्स, लोफ का लोव्स। फन टाइम, कैन यू क्रॉल लाइक अ बेबी, क्रॉल क्रॉल क्रॉल। क्या आप एक बच्चे की तरह क्रॉलिंग कर सकते हैं, जमीन पर रेंग सकते हैं? अगर रेंग सकते हैं तो फिर क्रॉल करके दिखाएं। कैन यू हॉप लाइक अ ग्रास होपर, हॉप हॉप हॉप। क्या आप एक ग्रास होपर टिड्डे की तरह हॉपिंग कर सकते हैं, तो फिर हॉप करना है आपको। कैन यू जूम लाइक एन एरोप्लेन, क्या आप एरोप्लेन की तरह जूम जूम उड़ने की कोशिश कर सकते हैं, वैसे कोशिश आपको करनी है। Thank you for watching the video.